वो कंप्रेस मेरा अपने एक आर्म, मैं फिर करूँगा कंप्रेस, मैं बार बार करूँगा, मैं उस वक्त तक मैं कॉन्फ्रेंस, ये मेरा ये मुतालबा होगा, ये मेरा जारी होगा, मुझे जहाँ से भी जाना पड़े इंसाफ के लिए, चाहे रात जाना पड़े चाहे दिन जाना पड़े मैं जाऊँगा, मुझे कॉन्फ्रेंस करना पड़े, मैं एक नहीं दस, दस नहीं सौ करना पड़े, अगर मुझे इसमें जान भी चले जाए मुझे उस बात को कोई परवाह नहीं, लेकिन आज से बाद जो सच है मैं उस सच पे चलूँगा बस। उन्होंने हमें लालच दिया बस मीडिया से रोकने के लिए, रुकने के लिए कॉन्फ्रेंस के रुकने के लिए। उन्होंने यहाँ तक भी बोला कि आप अपने साथ आप अपना केस के भी ख़राब करोगे, जो तुम्हें सरकारी तरफ से अमाउंट मिले वो भी तुम्हें नहीं मिलेंगे, फिर बाद में पछताओगे, ख़राब हो जाओगे, बाद में यही पुलिस वाले जो है ना ये आपको बंद भी कर सकते हैं, आपको छुड़ा भी सकते हैं, आपको किस आपको इंसाफ दे भी सकते हैं, आपको नहीं भी दे सकते। मैं क्या अभी तक उसने मुझे कौन सा इंसाफ दिए? शुरू से इन्होंने हमें कभी कह रहे इधर आ जाओ, कभी कह रहे उधर आ जाओ, कभी नहीं, अभी तो हफ्ता हो गया पूछते ही नहीं है जी, अभी तो हम खुद ताने आते हैं फैमिली समेत, अभी आधा आधा घंटा हम बैठे रहते कोई मिलते ही नहीं है जी, कभी कह रहे हम इधर गया, कभी कह रहे हम उधर गया जी, अभी तीन महीने से ऊपर हो गए जी, एक महीने का इन्होंने मेरा अष्टाम खुद लिख के दिए, काफ़ी अफसरों ने स्पेशन के जामे सर एक महीना टीम दे दो, अभी तीन महीने से ऊपर हो गए, अभी कल परसों कह रहे जिसमें मजीद टीम और लगेगा, और फिर कह रहे जिसको फांसी भी नहीं होगा, लोगों का दुश्मनी हमने सर पे ली है, जितना लोगों इस वक्त पुलिस वालों ने उठाया जो खाने के लिए ने उनसे भी पैसे लिए वो भी मेरे गले आ गए। इस वक्त आने की बात करो, क्यों कहते भाई जी पहला अभी हमने जो कर रहे थे वो कर दिए, बाकी आप जाने अदालत जाने, मैं हाई कोर्ट तक भी चले जाऊंगा, हम वहाँ धरने भी निकाल देंगे, हम इत्तेजाद भी कर लेंगे, मैं सुप्रीम कोर्ट के, मैं वज़ीर आज़म हाउस तक भी, मैं बनीगाले तक भी, जहाँ जहाँ मेरे से हो सकते मैं इस बच्ची की खातिर मैं बहुत कुछ कहने के लिए तैयार हूँ, इस बच्ची के लिए मैं बहुत, मैं अगर मुझे जान भी खिलना पड़े तो मैं करने के लिए तैयार हूँ।